ठंडियों का मौसम हो और गर्मा गर्म खाना हो तो फिर आए है क्या ही बात होती है ना। लेकिन ठंड के मौसम में इन गर्म गर्म खानों का लुत्फ हम तभी ले पाते हैं जब हम घर पर रहते हैं। जब हम स्कूल और ऑफिस में होते हैं तब हम इन गर्मा गर्म पराठों का लुत्फ तो नहीं ले पाते हैं, और ऐसे में हमें याद आती है फॉइल पेपर की। यस, जिनमें हम खाने को रख कर ऑफिस या फिर स्कूल के लिए निकल पड़ते हैं। और इतना ही नहीं, जब हम बाहर से खाना मंगवाते हैं तो भी उनकी पैकिंग इन्हीं फॉइल पेपर में होती है ताकि हम गर्मा गर्म खाने का लुत्फ उठा सके। कुल मिलाकर वैसे तो ये एक नॉर्मल सा पेपर ही होता है, लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस हमें तभी समझ आती है जब हमें इसकी वजह से गर्मा गर्म खाने को मिल जाता है खाना। लेकिन आखिरकार किस स्पेशलिटी की वजह से इसमें पैक्ड खाना गर्म रहता है, क्या कभी आपने सोचा है? अगर नहीं तो आइए हम आपको बताएंगे कि क्यों नॉर्मल पैक हुआ खाना ठंडा हो जाता है जबकि फॉइल पेपर में पैक हुआ खाना ज्यादा देर तक गर्म रहता है। साथ ही इस फॉइल पेपर को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है, मुद्दे की बात तो ये है, और इसमें ऐसा क्या मिलाया जाता है जिसकी वजह से ये हमारे खाने को गर्मा गर्म बनाए रखता है और उसका लजीज स्वाद मेंटेन रखता है। अगर आपको भी जानना है तो चलिए बढ़ते हैं अपने फैक्ट्री की उस दुनिया में जहां आपने पहले भी कई बार सैर की है हमारे साथ। आज हम चलते हैं एक नए सैर सपाटे पर फैक्ट्री के, लेकिन इस बार ये थोड़ा नया इसलिए भी है क्योंकि इस बार होंगी कुछ नई मशीन्स, कुछ नए इक्विपमेंट्स और कुछ नया प्रोसेस। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। खाने को गर्म रखने के लिए रैपिंग पेपर के तौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला प्योर एल्यूमिनियम दरअसल बॉक्साइट को रिफाइन करके निकाला जाता है। अब क्योंकि बॉक्साइट में काफी प्रचुर मात्रा में एल्यूमिनियम ऑक्साइड पाया जाता है, बॉक्साइट को ओपन पिट्स या फिर अंडरग्राउंड माइन से निकाला जाता है। इस अंडरगोस प्रोसेस को बायराइजेशन कहा जाता है। बॉक्साइट से प्योर एल्यूमिनियम प्राप्त करने के लिए बॉक्साइट को क्रश करके सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिक्स किया जाता है। अब जहां पर एल्यूमिनियम कंपोनेंट को डिसॉल्व करके बाकी के अदर कंपोनेंट्स को सॉलिड वेस्ट के तौर पर अलग कर दिया जाता है। इसके बाद जो भी एल्यूमिनियम कंपोनेंट बचता है उसे फिल्टर करके प्यूरीफाई कर लिया जाता है और इस तरह से हमें प्योर एल्यूमिना मिल जाता है। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये एल्यूमिना क्या चीज है यार, तो आपको बता देते हैं, दरअसल एल्यूमिना एल्यूमिनियम ऑक्साइड का केमिकल कंपाउंड होता है। फैक्ट्रीज में एल्यूमिनियम फॉइल बनाने के लिए 27,000 किलो प्योर एल्यूमिनियम को नेचुरल गैस की भट्टियों में टाइटेनियम, सिलिका और जिंक के साथ 750 डिग्री सेल्सियस पर 3 से 8 घंटे तक गर्म किया जाता है क्योंकि एल्यूमिनियम का फ्यूजन टेम्परेचर 660 डिग्री